डियर स्टूडेंट 3.4 से एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से हम आप लोगों को 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर बताने जा रहे हैं। फोर्थ, इसके पहले तीन हो चुके हैं, आप मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। आइए फोर नंबर को समझते हैं। तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉल 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालती है। सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। तो नोट दो आ गए बच्चों, तो हमने दो नोट मान लिए थे, 50 रुपए के नोट को यक्स मान लिया और 100 रुपए के नोट को बाई मान लिया। उसने 50 और 100 के नोट ही बस निकाले थे, ठीक है। और टोटल नोट कितनी निकाली थी, आगे लिखा हुआ है कि मीना गॉट 25 नोट्स। मीना ने कितने नोट निकाले, 25। तो 50 के और 100 के नोट दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल नोट कितने हैं, 25। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट तैयार हो गया। अब सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तैयार हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, सेकंड टर्म में क्या कहता है, सेकंड टर्म क्या कह रहा है, सेकंड टर्म कह रहा है 50 की नोट और 100 की नोट अगर दोनों को मिला दिया जाए, 50 की नोट एक नोट से यक्स और प्लस 100 की नोट यानी 100 बाई को दोनों को मिला दिया तो टोटल रुपए जोड़ने पर 2000 रुपए होते हैं। और इस तरह से यह समीकरण नंबर दो तैयार हो गया। अब यह समीकरण एक और समीकरण दो को हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये बुक ले लो, आइए हम सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। देखो तो इसको हम बारीकी से लिख लेते हैं सबको इरेज करके। इक्वेशन याद है ना तुम लोगों को, पहला इक्वेशन था आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरा इक्वेशन था बेटा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। अब हमने आपको बताया था कि वो चीजें इसमें से कॉमन लेते हैं या काटते हैं जो कि दोनों में मिले। तो देखो इन दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ करें कि ताकि कुछ मिले। तो हम इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड से हम कुछ करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ओके। तो इधर साइड देखो, अगर हम दोनों से 50 कॉमन ले लिए तो ले सकते हैं, तो दोनों से 50 कॉमन ले लिए तो 50 आ गया बाहर, अंदर बचा यहां x बचा और 50 इसमें कॉमन बचे तो ये 2y बचा बराबर 2000। समझाते हैं कॉमन क्या चीज होता है, 2 चैप्टर में मैंने समझाया है। जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसी का अंदर भाग दे देते हैं, तो 50x का बटे 50 क्योंकि 50 कॉमन लिए हैं प्लस 100y बटे भी 50 हो जाएगा, है ना। जो चीज हम कॉमन लेते हैं अंदर वाली संख्या में उसका डिवाइड हो जाता है, तो 51 जा 50 तो x बस बचा तो x लिख दिए, और 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 2y बचा तो 2y लिख दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है इतना। तो इस प्रकार से हमने, अब ये देखो x x इसके बराबर हो जाएगा तो एलिमिनेशन में खट से कट जाएगा। अब 50 को हम उधर सेंड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो अब इसको लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 है, ये 2000 है, 50 में मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 से 0 कट गया और 5 4 जा 20 और एक जीरो बचा है, तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया, है कि नहीं, हम दूसरे से ही निकाले हैं लेकिन अब ये नया चीज बन गया तो हम इसको समीकरण नंबर तीसरा दे सकते हैं। समीकरण आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखें जब चलें तो उसी से चलें। अब देखिए जगह नहीं, हम इसी से इधर सॉल्व करते हैं इसके आगे से। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, अब पहला वाला लेंगे और तीसरा वाला लेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, पहला क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 25। समझ आ रहा है कैसे जा रहा है, हाँ तुम लोगों को, वेरी गुड। तो x प्लस y इज इक्वल टू 25 और दूसरा समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तुम लोग बोल सकते हो जहां दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा लगाए लगा रहे हैं। अब देखो, अब हमारा जब एक एक क्या होता है, एक नंबर, एक वेरिएबल इक्वल हो गया
तो हम बस साइन, ये जो साइन नीचे वाले नंबर में लगा रहता है इसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस लगाए तो माइनस, माइनस लगाए तो प्लस, और किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। चलो एलिमिनेट करें, यहाँ प्लस है कोई साइन मतलब प्लस, तो इसमें माइनस, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। यक्स से यक्स कट गया कि नहीं कट गया? अब ये वाला चिन्ह ये माना जाएगा, तो टू बाई में एक बाई घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस वाई आएगा। अब देखो ये 40 माइनस हो गया और ये 25 प्लस, तो 40 में 25 घटाएंगे तो 15 आएगा, है ना? तो यहाँ आएगा माइनस 15, क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू आ गया 15। ये y की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम पुट y वैल्यू, किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए, इक्वेशन क्या है हमारा फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू आई है तो x प्लस y की जगह हम लिख देंगे 15 और इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 15 उधर भेज देंगे, है ना? तो 15 उधर भेजेंगे तो 25 और माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 25 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 15 10 25 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 15, और ये रहा हमारा आंसर। जब ना समझ में आया तो वीडियो पीछे करके, और एक बात और ध्यान रखो बच्चों, जब ये सवाल समझो तो किताब आपके सामने होनी चाहिए एनसीईआरटी की, आप देख लीजिए एक बार इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 3.4 का लास्ट है, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आइए इसको नंबर 5 नंबर, इसमें 4 होना, 5 नंबर ही बताना है, 4 हो गया है 5 नंबर, सेकंड का 5। अब देखिए क्या कह रहा है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखो आप कोई भी काम करते हो, जैसे किराए के लिए लाते हो, हम ये किराए पे बुक ले लिए मान लीजिए, तो अगर हम 3 दिन तक बुक लिए रहते हैं, 3 दिन तक, तो इसका चार्ज फिक्स है, चाहे 10 रुपये हो चाहे 15 रुपये, कोई भी एक वैल्यू फिक्स होगी, वो 3 दिन के लिए होगी, समझ में आ रहा है? और उसके बाद 3 दिन से ज़्यादा दिन अगर हम वो पुस्तक या कोई वस्तु रखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है? यानी दो तरह की बात आ रही है आपको, क्या? एक तो फिक्स चार्ज और उसके बाद लगने वाला अदर खर्चा, तो यही दोनों चीज मानेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। उसके बाद जो भी जितने दिन ज्यादा रखेंगे उसका ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जैसे शादियों के लिए रात भरे का गाड़ी ले जाओ तो अलग पैसा, अब सवेरे तक रोकवा तो गाड़ी वाला ज्यादा चार्ज ले ही, बात जाना था ना? हमारे जमाने में सीडी किराए में आती थी, आजकल जो फिल्मों के बहुत सारे चैनल आते हैं तो सीडी किराए में लाते थे, वीसीआर किराए में लाते थे, जितने दिन रखोगे उसका फिक्स चार्ज पहले होता था, फिर उसके बाद बढ़ोगे तो उसका चार्ज बढ़ता चला जाएगा, है ना? मोटरसाइकिल फिक्स चार्ज में हुई है, बहुत सारी चीजें, तो उसी प्रकार से। तो लेट द फिक्स चार्ज, हम पहले क्या मानेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, अब इसमें बुक लिखा है तो बुक लिख लेंगे बच्चों, फिक्स चार्ज ऑफ आइटम, या पुस्तक होगी तो पुस्तक लिख लेंगे, ठीक है? यक्स मान लेते हैं, यानी जो फिक्स चार्ज है वो यक्स रुपीस है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर उसके बाद का चार्ज, आफ्टर चार्ज को हम मान लेते हैं क्या, वाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं? अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर थ्री फर्स्ट 3, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, चौथा दिन आएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ जाएगा। डेज ऑफ एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब सुचिता सरिता नाम की एक लड़की है, वो 27 रुपए पेड करती है, कितने रुपए, 27 रुपए फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज, कितने दिन के रखती है बुक? अब देखो बच्चों ध्यान रखना, यही समझना पड़ेगा, 7 डेज कितने बराबर आएगा, 7 डेज आएगा 3 + 4 डेज, कितना आएगा? तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है, क्या है, एक्स रुपीस, कितना, 3 दिन का किराया फिक्स है, और जो बाकी के दिन लग रहे हैं उसका किराया फिक्स नहीं, हमने बाई माना है। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, इसको बस वर्ड से सॉल्व कर लो तो मान बन जाएगा। तो जो 3 दिन का है उसको हम लिखिए एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो 4 दिन और बचे एक्स्ट्रा खर्चा,
तो उसको लिखेंगे 4y कितना रुपए दिया 27। समीकरण एक फिर से समझ लो, 7 दिन रखी वो किताब एक लड़की सरिता, 7 दिन, 7 दिन में अगर जो हम बाइफर्केट अलग करेंगे तो 4 3, अब सर जी 5 और 2 7 होते, 4 3 क्यों अलग किए, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज इस किताब में लिखा है, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज इसलिए मैंने 3 और 4 में अलग किया 7 को, तो 3 दिन का तो यक्ष ही होता है और 4 दिन और जो होता है वो बाई का माना है हमने कि बाई अलग चार्ज के लिए, तो इसलिए हमने 4y = 27। अब समझ आया नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर समझो अपने से। अब हम अगले कॉन्फिडेंस में जाते हैं, दूसरा समीकरण कैसे आएगा, आगे क्या कह रही वॉइस सूजी, वही अब दूसरी बिटिया कौन, इसको आप लिख सकते हैं फॉर सरिता, सरिता के लिए ये चार्ज लगा था ठीक है। अब अगले में फॉर सूजी, सूजी बिरंची नाम हो वैसे रखवाते हैं, सूजी सूजी क्या करती है, सूजी है सूजी, सूजी क्या करती है पेड 21 रुपीज, वो कितना रुपए पेड करती भैया पहले 21 लिख लो, और कितने दिन बुक रखती है देखते हैं, 5 डेज रखती है, कितने डेज 5, तो 5 को हम 3 दिन तो फिक्स मान लेंगे यक्स, क्या 3 दिन का क्या होगा यक्स, और बाकी क्या बचा 5 लाने के लिए 2, तो क्या लिखेंगे यक्स प्लस 2y = 21। समझ में आ गया, यानी 5 दिन को हम 3 दिन का तो फिक्स है, तो 3 दिन का फिक्स यक्स लिख दिया, बाकी कितने बचे 2 दिन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा खर्च के लिए बाई माना था 2 का गुणा कर दिया, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, इसको लिख लीजिए आप लोग, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के वीडियो देख सकते हैं। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, और आपको बता दें आप ऊपर इरेज करते रहिए, ऊपर इरेज कर लेंगे तो सही होगा, इरेज कर ही लेंगे आप। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, बच्चों जगह कम ज़्यादा लगेगी इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और सिर्फ 2 इक्वेशन की जगह हम बनाएंगे। तो 2 इक्वेशन हमारे पास क्या क्या थे, एक पहला था यक्स प्लस 4y = कितना था भैया 27 रुपये, और दूसरा वाला था यक्स प्लस 2y = 21, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे पूरा मार्क्स मिलता है, परेशान मत हो मैथ का वो देखते हैं। अब देखो दोनों में एक वेरिएबल नंबर मिल रहे हैं तो हम कुछ और नहीं करेंगे, देखो साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस लगा दिए। अब ये प्लस है ये माइनस, ये क्या हो गया कट्टम कुट्टा, यक्स विलोप्त हो गया एलिमिनेट। अब ये 2y जो होता है प्लस यहाँ नहीं देखा जाता, ये वाला चिन्ह, तो ये माइनस 2y में 4y घट जाएगा तो क्या आएगा 2y प्लस वाली संख्या बड़ी है ना, = ये माइनस 21 और ये प्लस 27, तो 27 में 21 घटेगा तो क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 6 आएगा क्योंकि 27 वाली संख्या बड़ी, तो y = क्या आएगी 6/5, ये 2 इधर आएगा तो 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई y = आ गया 3, यानी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुटिंग पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 4y = 27, ठीक है, तो y की जगह क्या रखना है x प्लस 4 × 3 = 27, y की जगह 3 रख दिए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है कोई चिन्ह नहीं, तो x प्लस 4 × 3 = 12 = 27। अब x इज इक्वल टू 27 और 12 उधर जाएगा तो 12, अब x की वैल्यू काट देंगे 27 में 12 जाएगा तो आएगा 15, कितना आएगा, और इस प्रकार से ये दोनों आंसर आ गए। तो बच्चों इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़, अगर आप अच्छे से कराएंगे तो मेरा और हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास ले आऊँगा, सारी समस्या का समाधान आपसे करूँगा।